नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है आज की ताज़ा तरीन बॉलीवुड न्यूज़ में। सारा, श्रद्धा और दीपिका को एनसीबी समन के बाद कंगना ने किया रिएक्ट, बोली अब हो रहा है पछतावा। एनसीबी द्वारा ड्रग्स मामले में श्रद्धा कपूर, सारा अली और दीपिका पादुकोण को समन भेजा गया है, जिसके बाद कंगना ने बिना नाम लिए एक ट्वीट किया है। कंगना ने लिखा है कि आखिरकार पहली बार बॉलीवुड माफिया अपनी क्रूरता और दूसरों को दुख पहुंचाकर खुश होने वाली प्रवृत्ति और चुप्पी पर पछतावा कर रहे हैं। वो सोच रहे कि काश सुशांत की जान नहीं ली गई होती और कंगना को दीवार की ओर धकेला ना गया होता। पहली बार वे सोच रहे हैं कि काश समय को बदल सकते और हमें वापस ले आ सकते। इसके साथ ही एक स्माइल भी कंगना ने दे दिया है। इस ट्वीट को एक्ट्रेस द्वारा भेजे गए समन पर कंगना का रिएक्शन माना जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया के बदले बोल, सुशांत और ड्रग्स को लेकर किया खुलासा। रिया ने अपने जमानत याचिका में कहा कि सुशांत अपने ड्रग्स की आदत को बनाए रखने के लिए करीबी लोगों का इस्तेमाल किया करता था। सुशांत अपने स्टाफ के सदस्यों को ड्रग्स खरीदने को कहते। सुशांत अपने रसोई नीरज को जॉइंट तैयार करने बॉक्स में बेडरूम में रखने के लिए कहते। ऐसा सुशांत गुजरने से 3 दिन पहले भी किया था। इसके साथ ही जांच में वो बॉक्स खाली पाया गया, यानी सुशांत वो लिया करते थे। रिया ने कहा कि सुशांत पर छोटी मात्रा में ड्रग्स सेवन का आरोप लगता, जो कि 1 साल तक कारावास की सजा के साथ जमानती अपराध है। रिया के भाई और परिवार को उसने अपनी आदत को सुविधाजनक बनाए जाने को लेकर इस्तेमाल किया। बॉलीवुड अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा ने एनसीबी पर उठाए सवाल, कंगना को समन क्यों नहीं भेजा। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को एनसीबी समन भेजे जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा ने एनसीबी के इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि एजेंसी मीडिया के साथ जांच को साझा कर अभिनेत्रियों की छवि के साथ खिलवाड़ कर रही है। नगमा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें एक तरफ कंगना आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे और दूसरी तरफ दीपिका, दिया मिर्जा और अनुराग कश्यप नजर आ रहे हैं। इस पर लिखा है कि अगला नंबर स्वरा भास्कर, ऋचा चड्डा और अनुभव सिन्हा का होगा। हर वो शख्स जो भारत के लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, स्टेप बाय स्टेप अगला नंबर होगा। नगमा ने कहा है कि कंगना ने ड्रग्स की बात खुद स्वीकार की है, फिर उसे समन क्यों नहीं भेजा गया। अंकिता ने की हंसते हुए तस्वीर को साझा, फैंस बोले खुश रहो मगर सुशांत को याद रखना। 22 सितंबर को सुशांत के गुजरे हुए 100 दिन पूरे हो गए। वहीं सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर सफेद साड़ी में कई फोटो साझा की है, जिसमें वे हंसते हुए कई पोज दे रही हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि खुश कैसे रहा जाए, हर सुबह यह तय करो कि आप अच्छे मूड में हो। इस पर उनके फ्रेंड्स और फैंस कमेंट कर रहे हैं, जिस पर एक ने लिखा है कि हम अभी भी सुशांत सर को मिस कर रहे हैं, आप इतना खुश कैसे दिख सकती हैं। वहीं किसी ने कहा कि वो अब भी उन्हें मिस करती होंगी, वो उनका पहला प्यार थे। छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हुई कोविड-19 संक्रमित। छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। खुद श्वेता ने इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक वे क्वारंटीन रहेंगी। उन्होंने बताया है कि 16 सितंबर से खांसी हो रही है और 17 सितंबर को मैंने टेस्ट करवाया। मैं क्वारंटाइन के दौरान खूब गर्म पानी ले रही हूं और बुक्स पढ़ रही हूं। मेरे बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यह मुश्किल वक्त है। श्वेता ने बताया कि अगला टेस्ट 27 सितंबर को होगा। आपको बता दें वे अभी सोनी टीवी के सीरियल मेरे डैड के दुल्हन में एक्टर वरुण बदौला के साथ लीड रोल में थी। विकी डोनर के फेमस एक्ट्रेस भूपेश कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा। मनोज बाजपेयी ने जताया शोक। विकी डोनर और हजारों ख्वाहिशें, ऐसे में काम कर चुके अभिनेता भूपेश कुमार पांडे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वे कैंसर से संक्रमित थे। उनके आकस्मिक गुजर जाने पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने शोक जताया है और भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ट्वीट करके कहा है कि विख्यात रंगकर्मी भूपेश कुमार पांडे के आकस्मिक गुजर जाने की खबर बेहद दुखद है और NSD परिवार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं मनोज बाजपेयी ने लिखा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे को मिली जमानत, लगाया गया था मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप। गोवा की एक अदालत में एक्ट्रेस पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे को जमानत दे दी है। पूनम पांडे ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शानूर ऑडी ने सैम को 20,000 के जुर्माने पर मंगलवार की शाम जमानत दे दी है। हालांकि उसे कनाकोना थाने में उपस्थिति दर्ज 4 दिन तक करानी होगी। बता दें कि गोवा में अपने पति के साथ पूनम पांडे शूटिंग के लिए आई थी। श्वेता ने भाई सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर की साझा, लिखा उसने जो किया उसमें अपना 100% दिया। सुशांत सिंह मामले की जांच में सीबीआई, ईडी और एनसीबी लगी हुई है। वहीं श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें 2 फोटो है। एक फोटो में सुशांत ट्रेडमिल पर भारी चीज उठाते नजर आ रहे हैं और दूसरी में अपनी पीठ पर एक महिला को उठाए हुए हैं। यह फोटो सुशांत की फिल्म केदारनाथ की
की है। इसके साथ ही श्वेता ने कैप्शन में लिखा कि मेरे भाई ने जो भी किया उसमें उन्होंने अपना 100% दिया, अब न्याय और क्रांति भी 100% होगी। आगे श्वेता ने लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है, इस पोस्ट पर सुशांत के फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। बिग बॉस का 14वां सीजन जल्द होगा शुरू। जैस्मिन से लेकर टीना दत्त के कई नाम कंफर्म। 3 अक्टूबर से बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू होगा। इसमें कई स्टार्स का नाम आ चुका है और अभी भी स्टार्स के नाम पर मुहर लगानी बाकी है। इस बार जो सलमान खान के शो का हिस्सा बनेंगे उनका नाम है साउथ की एक्ट्रेस निकी तंबोली, दिल से दिल तक की फेमस हुई एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन, नागिन 3, ससुराल सिमर जैसे फेमस सीरियल में नजर आई एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया, टीवी एक्टर निशांत सिंह मिलकानी, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में दिख चुके हैं सिंगर राहुल वैद्य, पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस सारा गुरपाल, साथ ही साथ एक्ट्रेस टीना दत्ता, एक्टर एजाज खान और एक्ट्रेस जिया मानके के नाम अभी कंटेस्टेंट लिस्ट में शामिल है। आज की बॉलीवुड खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।